हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस टेक ज्ञान। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ और एक नया वीडियो को लेके। आज हम लोग सीखेंगे कैसे पिंटरेस्ट को यूज करके हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे पिंटरेस्ट के मदद से हमारा एफिलिएट लिंक को हम ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक हम लोग फैला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे बिना कुछ किए सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो पिंटरेस्ट को यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग करके, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जानना है कि कैसे फेसबुक को यूज करके, ट्विटर को यूज करके हम हमारे एफिलिएट लिंक को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आई बटन में दिया हुआ वीडियो को आप लोग जरूर देखें। इसके लिए हम लोग पहले चले जाएंगे वेब ब्राउजर में, वहां पे हम लोग लिखेंगे www.pinterest.com। फिर हम लोग पिंटरेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लैंड होंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि पिंटरेस्ट का ट्रैफिक कैसा है। पिंटरेस्ट का जो ग्लोबल रैंक है वो है 27, कंट्री रैंक है जो है वो है 23। इसका जो मतलब ये एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का कैटेगरी का इसका जो रैंक है वो है 10। आप लोग देख सकते हो जो कंट्री इधर रैंक कर रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका मतलब पिंटरेस्ट का टोटल जो ट्रैफिक आता है उसका 43.74% जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, जो हम लोग को चाहिए हमारे एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए। तो पहले इसको शुरू करने के लिए हम लोग एक हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके लिए हम चले जा रहे हैं clickbank.com, जो एक बहुत ही बड़ा एफिलिएट नेटवर्क है। और मेरा नीश के रिलेटेड मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो मेरा नीश है हेल्थ एंड फिटनेस, तो आज मैं ये वाला प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। प्रमोट पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे जेनरेट हॉपलिंग्स में, फिर ये जेनरेट हो जाएगा एक मेरा यूनिक एफिलिएट लिंक। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको वेब ब्राउजर में कॉपी कर पेस्ट करके एंटर मारेंगे। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए हमारा प्रोडक्ट जो है उसके सेल्स पेज में। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाना। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आज हम यूज करेंगे ब्लॉगर। ब्लॉगर के मदद से आप एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज फ्री में बना सकते हो। उसके लिए हम एक न्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे, न्यू पोस्ट में। जब आप ब्लॉगर को ओपन करोगे, न्यू पोस्ट में क्लिक करोगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अभी उसके, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो वेट लॉस के बारे में है, तो अभी हम गूगल में जाके कुछ वेट लॉस टिप्स के बारे में कुछ सर्च करेंगे और यहाँ पे जो आर्टिकल हमको मिल रहा है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है उसको रैंक नहीं कराना, हमको सिर्फ पिंटरेस्ट में उसको प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा सेल हमको जनरेट करना है। तो इसलिए अगर हम कॉपी पेस्ट किए तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हम इस वाले वेबसाइट से कुछ कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ है, हाउ टू लूज वेट इन 3 simple steps बेस्ड ऑन साइंस। तो इस टाइटल को हम कॉपी करेंगे, टाइटल को कॉपी करके इधर हम ब्लॉग में आके इसके जो टाइटल का जगह है वहां पे हम पेस्ट कर देंगे। अभी मैं आर्टिकल को प्रमोट कर, यहाँ पे जो है मैं आर्टिकल को कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पे ब्लॉग में आके इधर पोस्ट के जगह में हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक मेरा पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, गेट एक्सेस नाउ करके एक बटन कुछ लगाना है। तो अभी हम देख, यहाँ पे हम इंसर्ट इमेज में जाएंगे। तो मेरे कंप्यूटर में मैं पहले से ही एक गेट एक्सेस नाउ का इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप लोग भी एक काम कर सकते हो, गूगल में आप गेट एक्सेस नाउ टाइप कर सकते हो तो एक बहुत, फिर इमेजेस में जाके आप बहुत सारा बटन आप से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इधर गेट एक्सेस नाउ का इमेज यहाँ पे आप अपलोड करोगे। तो मेरा गेट एक्सेस नाउ इधर है, मेरा गेट एक्सेस नाउ का इमेज ये हम सिलेक्ट कर लिए। एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट हम लोग का प्रोडक्ट के लिए रेडी है।
यहाँ पे आप लोग कुछ मतलब इमेज भी डाल सकते हो जो आपका एफिलिएट पेज में मिलेगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तो एक आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज आप लोग खुद यहाँ पे क्रिएट कर दो। फिर यहाँ पे गेट एक्सेस नाउ में हम हमारा एफिलिएट का जो लिंक है उसको हम पेस्ट कर देंगे। ये कर दिया हम एफिलिएट लिंक को पेस्ट, ये हो गया। फिर ये हो गया हम लोग का रेडी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक प्रीव्यू भी देख सकते हो कि कैसे लग रहा है आप लोग का लैंडिंग पेज। तो आप लोग देख ही सकते हो ये लोडिंग हो रहा है, ये देखिए ऐसे दिखेगा आप लोग का लैंडिंग पेज। यहाँ पे जब आप गेट एक्सेस नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट के सेल्स पेज तक ले जाएगा। ये हो गया, देखते हो कि टैबलेट में कैसे दिखाई देगा, मोबाइल में कैसे दिखाई देगा, सब यहाँ पे मतलब देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इस पोस्ट को जो आप लिखे इसको आप लोग पब्लिश कर देना, कंफर्म। ये पोस्ट आपका पब्लिश हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आपको क्या करना है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका पोस्ट पब्लिश हो चुका है। फिर आपको ये आई बटन में क्लिक करना है, क्लिक करके आपका जो पोस्ट है उसका जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लेना। फिर आपको आना है पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट में एफिलिएट प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए आपको एक बिजनेस अकाउंट चाहिए। तो अगर आपका एक पर्सनल अकाउंट है पिंटरेस्ट में उसको आप इजीली बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इधर अकाउंट के ये एरो में क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग्स में आना पड़ेगा। अकाउंट सेटिंग्स में आने के बाद एकदम नीचे चले जाना पड़ेगा और इधर जो आपको दिखा रहा है कि कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे आपको दिखाएगा अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो इधर आपको दिखाएगा कि कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट। फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग मांगेंगे, फिर इजीली ये कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस अकाउंट में। तो पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ पिन्स यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मैं पहले आपको बोला था कि यहाँ पे आपको कुछ मतलब खुद से कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड एक पिन्स यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट है वेट लॉस के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे वेट लॉस टिप सर्च करेंगे। सर्च करके आप एंटर मारिए, आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इधर में से एक इमेज आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरे को ये इमेज बहुत अच्छा लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लें, सेव इमेज है। फिर आप डाउनलोड्स में सेव कर लो इसको, ये हो गया आपका डाउनलोड। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट का होम पेज में आने के बाद आपको ये अकाउंट का सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको क्लेम दिखेगा, क्लेम में क्लिक करके आपको यहाँ पे वेबसाइट्स क्लेम में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा HTML टैग्स मिलेगा, इस फर्स्ट मतलब ये एड HTML टैग को आपको कॉपी करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना, फिर आपको चले आना है ब्लॉगर में जहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट किए। फिर ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे आपको थीम दिखेगा, थीम में जाके यहाँ पे आपको कस्टमाइज दिखेगा। कस्टमाइज के बगल में ये जो एरो है ये इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है एडिट HTML। एडिट HTML के आने के बाद यहाँ पे आपको हेड टैग दिखेगा, एकदम पहले यहाँ पे आपको हेड टैग दिखेगा। हेड टैग के नीचे आपको वो जो कॉपी किए हो आप जो टैग उसको पेस्ट करना है। फिर आपको इसको सेव कर देना है इधर, बस आपको ब्लॉगर के होम पेज में आ जाना है। फिर आपके पोस्ट का जो व्यू ऑप्शन दिखाएगा इसको आपको क्लिक करना, इसमें क्लिक करके फिर से आपका जो URL है उसको कॉपी करना। URL को कॉपी करके इधर पिंटरेस्ट में जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना। फिर आपको क्लिक करना है वेरीफाई। यहाँ पे आपको ये स्लैश देना नहीं पड़ेगा, ये हो गया कनेक्टेड। यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखाई देगा। ऐसे आपको अपना वेबसाइट यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। आप क्या करें, आपको क्लेम करने के बाद आपको चले आना है पिंटरेस्ट के होम पेज में। यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे आने के बाद क्रिएट अ पिन, क्रिएट अ पिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपने पिक्चर डाउनलोड किए थे उसको आपको अपलोड करना। इधर हम क्लिक किए, मेरे डाउनलोड में पिक्चर था ये हम अपलोड कर दिए। यहाँ पे आपको कुछ टाइटल डालना है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है वेट लॉस के रिलेटेड, तो वेट लॉस विद इन 7 days डाल दिए। फिर यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि
वेट लॉस विदाउट एक्सरसाइज, डाइट। इधर आप कुछ लिख दिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ब्लॉगर में जो आप लैंडिंग पेज बनाए उसका जो लिंक है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, बस। फिर आपका काम हो गया, यहाँ पे आप पब्लिश, फिर आपका काम हो गया, यहाँ पे आप इजिली इसको पब्लिश कर दे सकते हो। ये हो गया पब्लिश। तो अभी क्या होगा, ये आप जो अपने जो पिन क्रिएट किए ये ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक ये फैलेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होने का जो चांसेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखे कि कैसे पिंटरेस्ट को यूज करके हम हमारे एफिलिएट लिंक को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक फैला सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हम एक बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और हम ये भी सीखे कि कैसे एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज हम लोग ब्लॉगर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग ये भी सीखे कि कैसे दूसरों के क्रिएटेड पिन्स को यूज करके हम लोग एक खुद का पिन क्रिएट कर दिए और हमारे एफिलिएट लिंक उस पिन के थ्रू हम लोग प्रमोट किए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही और भी ऑनलाइन मनी अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस और एसईओ ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस आप लोग को चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले अपडेट आप ही को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।